क्या कुछ कहा है हनीप्रीत ने, बड़ी बातें जल्दी से जान लेते हैं ज्योति से। जी हाँ चित्रा, जिस हनीप्रीत की तलाश पुलिस को थी, पुलिस को तो मिल नहीं पाए, लेकिन चैनल के रिपोर्टर्स को हनीप्रीत मिल गई और इंटरव्यू दिया है हनीप्रीत ने। क्या कहा है हनीप्रीत ने? कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने हिंसा की कोई साजिश नहीं रची थी। जो कहा जा रहा है कि मैंने साजिश रची, वो सब गलत कहा जा रहा है। अपनी सफाई में हनीप्रीत ने कहा, राम रहीम से बाप बेटी का पाक रिश्ता है, साफ रिश्ता है मेरा, और जिस तरह की बातें निकल कर मीडिया में आ रही हैं वो सब सरासर गलत है, वो मेरे खिलाफ साजिश है, ये हनीप्रीत ने कहा। क्या एक बेटी अपने पिता से प्यार नहीं करती, ये हनीप्रीत ने कहा। और ये सवाल हनीप्रीत की तरफ से पूछा गया, सभी आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है और मुझे बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश कुछ लोगों की तरफ से मेरे खिलाफ की जा रही है, हनीप्रीत ने ये साफ साफ कहा है। हरियाणा की पुलिस, हरियाणा पंजाब की पुलिस लगातार हनीप्रीत की तलाश कर रही थी। अब हनीप्रीत सामने आई है और दो चैनल्स को इंटरव्यू दिया है हनीप्रीत ने और कहा कि मैं बेगुनाह हूं और जिस तरह की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं उस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। चित्रा, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।